सा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, परमात्मा करण करावन हार कैसे, परम आत्मा करण करावन हार करता भी है और करवाता भी है, डबल काम करता है, इसलिए हमें बनाता भी है और कहता है बनाओ भी सही। बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि ये जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। दुनिया वाले समझते भगवान ये सारा संसार के नाटक को चलाने वाला है, इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ हाथ में करण करावन हार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है, सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाए हैं। अब ऐसा ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले उन्हों को ये समझाना जरूर है कि ये अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है, जिसको हम कहते हैं ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, मतलब ये बना बनाया ड्रामा है, बना फिर बनाया फिर बना फिर बनाया, खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है ऑटोमेटिक। तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। ये जो परमात्मा को करण करावन हार कहते हैं ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा? अब इन बातों को समझना है, पहले तो ये समझना है कि ये जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है, जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, ये सृष्टि चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। सृष्टि चक्र का आदि और अंत है, परंतु सृष्टि का आदि और अंत क्योंकि एक चक्र तो रोज है ना चेंज हो जाता है। और एक चक्कर 365 दिन में चेंज हो जाता है और एक चक्कर तीसरा 5000 साल में पूरा। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है, बीज परमात्मा, उसमें सारे पेड़ का सारे झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज भी है, दोनों कंबाइन है, दोनों अविनाशी हैं, बाकी बीज का क्या काम? बीज बोना झाड़ निकलना, अगर बीज ना बोया तो झाड़ नहीं निकले। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना, खुद बीज रूप है बीज बोता है, और कोई काम ही नहीं मिला। परमात्मा ही कहते हैं, कहता है मैं परमात्मा, कौन सा बीज बो रहा है? हम आत्माओं में ज्ञान का बीज, मैं परमात्मा हूं ही तब, मैं हूं ही तब परमात्मा जब मैं बीज बोता हूं।
जब तक परमात्मा बीज ना बोए तब तक कैसे परमात्मा कहलाएगा? अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परम आत्मा ही तब है जब मेरा कार्य परम है, कार्य मेरा परम है, सर्वोच्च है। मैं आकर सारे विश्व को पावन बनाता जो खुद पाठधारी बन बीज बोता हूं, सृष्टि की आदि भी करता हूं और अंत भी करता हूं। मैं करणधारी बन बीज बोता हूं, बीज बोने का मतलब है रचना करना। पुरानी सृष्टि के अंत का अंत करना और नई सृष्टि की आदि, नई सृष्टि की आदि। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है, आदि भी और अंत। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो या कोई बात पूछनी हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।